के पूर्व सरपंच अभिषेक सांगले ने दिखाई दरिया दिली। ग्रामीणों के लिए अपनी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए अपनी निजी जमीन की दान 43 लाख की लागत से बनेगा उप स्वास्थ्य, कोई नेता ने नहीं बल्कि गांव के बुजुर्गों ने किया भूमि पूजन। पूर्व युवा सरपंच रहे अभिषेक सांगले ने गांव के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई। सिर्फ एक काम बचा था जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी, वो था अस्पताल, जिसके लिए अभिषेक सांगले ने कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया, क्योंकि आसपास के गांव के कोई भी शासकीय अस्पताल नहीं था जिसके चलते ग्रामीणों को उज्जैन जाना पड़ता था। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए गांव में शासकीय जमीन ढूंढी गई, लेकिन गांव में कोई भी शासकीय जमीन नहीं थी, जमीन सब गांव के बाहर थी जहां उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना उचित नहीं था। और पंचायत चुनाव आ गए, आरक्षण के बाद सीट बदल गई, लेकिन पूर्व में अभिषेक सांगले ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य को देखते हुए वो पीछे नहीं हटे और दरियादिली दिखाते हुए उन्होंने खुद के लाखों रुपए की जो जमीन थी वो उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान दे दी। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हमारे गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की सौगात हमें मिली थी, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ सर्वे कराया था, तो उसमें शासकीय भूमि उनको उपयुक्त नहीं लगी थी, इसलिए हमको दिक्कत आ रही थी करने, इसलिए मैंने अपनी स्वयं की निजी परिवार की अपनी भूमि मैंने उसके लिए दान की है और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करके और उसको शासकीय मद में इसका परिवर्तन कराकर और इसको गांव के हित में हमने इसको दी। कितनी जमीन है और कब तक ये बनकर रहे तैयार हो जाएगा? आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, यहाँ पर 6,000 स्क्वायर फीट है टोटल, इसमें इसके लिए पर्याप्त। किन लोगों ने भूमि पूजन किया आज? ये पूरे ग्रामवासी थे हमारे गाँव के क्षेत्र। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा लगभग? मार्च तक इनका टारगेट है, इसके बाद और भी इनके प्रोजेक्ट हैं कुछ हमारे, और इसमें खाद गोदाम और ये भी है, तो हम तो आगे भी गांव के विकास के लिए हम सहयोग के लिए तत्पर हैं और हमारे वर्तमान सरपंच साहब भी हैं, तो ये भी युवा हैं और हम इनसे भी आशा करते हैं कि इसी तरह गांव के विकास पे अपने योगदान दें। कितने लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य होना है? ये 43,50,000 का है। क्या बनना है, कितने बेड का हॉस्पिटल खुला? ये नॉर्मल डिलीवरी मतलब आप पूरा उसका ड्राइंग है, उसमें बेड कितने हैं? फोर बेड। फोर बेड। आपका नाम? अभिषेक सांगले।